देखिए इस खिलाड़ी के लिए बस दो शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं कि भैया कुछ ऐसा फसाना है, कुछ ऐसा फसाना है कि भैया आंसू भी छलकाने हैं और दर्द भी छुपाना है। हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। देखिए बीसीसीआई को तमाम जनता से मतलब बीसीसीआई से तमाम जनता को बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। बहुत लोगों का कहना है संजू को क्यों नहीं खिलाया, बहुत लोगों का पंत के ऊपर भी शिकायत है, बहुत लोगों के रोहित शर्मा के ऊपर शिकायत है, बहुत शिकायतें हैं हम लोगों की बीसीसीआई से। लेकिन एक शिकायत जो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है कि भैया कहाँ है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ का शो सिर्फ हमें आईपीएल में क्यों देखने को मिलता है, क्यों हम उनको नीली जर्सी में नहीं देख सकते। वो शख्स, वो खिलाड़ी इतना ज़्यादा काबिलियत से भरा है। आप जानते हैं साल 2019 में दो टेस्ट इन्होंने क्लियर नहीं करा था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये खेल रहे थे उस टाइम, आपको याद होगा वो कंट्रोवर्सी। उसके बाद 8 महीने का बैन लगा था पृथ्वी शॉ के ऊपर, उसके बाद 4 महीने में इन्होंने धमाकेदार वापसी करी थी घरेलू क्रिकेट में, लगातार रन बना रहे हैं डोमेस्टिक घरेलू क्रिकेट में। लेकिन फिर भी बीसीसीआई को नजर नहीं आता कि भैया इनको इनकी प्रतिभा नजर नहीं आती, इनकी काबिलियत नजर नहीं आती। लेकिन अब लोगों का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, जाहिर सी बात है पहुंचेगा ही। वो कह रहे हैं कि भैया संजू का तो आपने चलिए कर दिया, जो उद्धार करना था जो भी करना था कर दिया, पृथ्वी शॉ के साथ ऐसा मत करिए। तो लोग कह रहे हैं कि पृथ्वी शॉ को ये कह रहे हैं कि आप जो है भारत अब छोड़कर चले ही जाइए, क्योंकि आपके लिए यहाँ तो कुछ नहीं है, बीसीसीआई आपका कुछ नहीं करने वाली, आप बाहर की टीम से खेलिए। तो सबसे पहले आपको वो 3-4 ट्वीट्स दिखाते हैं कि भैया क्या क्या लोग सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे पृथ्वी शॉ के लिए। देखिए एक यूजर है मी, ये कह रहे हैं कि भैया पृथ्वी शॉ तो ट्रेंड भी नहीं कर रहा है, पृथ्वी शॉ के लिए प्रे कीजिए आप। और ये कह रहे हैं कि पृथ्वी शॉ को आयरलैंड वगैरह से खेलना चाहिए, बीसीसीआई पृथ्वी शॉ को डिजर्व नहीं करती। उसके बाद अमर चंद कह रहे हैं कि भैया पृथ्वी शॉ विक्टिम है जो पॉलिटिक्स चलती है बीसीसीआई में, उम्मीद करते हैं कि भैया पृथ्वी शॉ को T20I में एटलीस्ट ये लोग चांस दे दें। और या साथ में ये भी कह रहे हैं कि भैया अच्छे ओपनर हैं पृथ्वी शॉ और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द पृथ्वी शॉ को चांस मिले। उसके बाद परिधि एक यूज़र हैं, ये कहते कि इट्स अ क्राइम इफ यू आर नॉट सेलेक्टिंग पृथ्वी शॉ, मतलब ये गुनाह है अगर आप जो है पृथ्वी शॉ को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी शॉ का छलका दर्द, देखिए पृथ्वी शॉ जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल नज़र आए। आप कल जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ था श्रीलंका के खिलाफ स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद पृथ्वी शॉ ने एक स्टोरी पोस्ट करी अपने इंस्टाग्राम पर, वो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे। इसमें है कि भैया किसी ने मुफ्त में पा लिया वो शख्स जो मुझे हर कीमत में चाहिए था, एक शायरी इन्होंने जो है पोस्ट करी है। और उसके बाद इन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल स्टोरी पोस्ट करी है कि भैया आप ज़रूरी नहीं है कि आप अगर हंस रहे हैं तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो, मतलब आप हंस रहे हैं ज़रूरी नहीं हैप्पीनेस हो, क्या पता आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो। तो ये दो स्टोरीज इंस्टाग्राम पर कल पोस्ट करी पृथ्वी शॉ ने, और ये पहली बार नहीं है देखिए जब पृथ्वी शॉ ने कुछ पोस्ट करा। इससे पहले भी बांग्लादेश के खिलाफ जब स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ था, पृथ्वी शॉ को बिल्कुल कूद में पड़ी मक्खी की तरह ऐसे निकाल देती है हमेशा बीसीसीआई। उस टाइम पे भी साईं बाबा की पोस्ट करके, फोटो पोस्ट करके साईं बाबा की अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्होंने लिखा था कि भैया साईं बाबा आप सब देख रहे हैं। बहुत इमोशनल मोमेंट है ये कि आप ऐसे खिलाड़ी को कैसे बैठा सकते हैं, मतलब 2 साल आप इग्नोर करते रहे इस खिलाड़ी का, सिर्फ एकमात्र सहारा IPL में ही रहा। और IPL में अब आपको जाते जाते IPL के स्टैट्स इनके बताए, इतने शानदार स्टैट्स, 150 से 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से ये खेलते हैं, शानदार ओपनर, वीरेंद्र सहवाग की झलक इनके अंदर हमें नजर आती है, बट ये बेंच पर बैठे हैं। तो चलिए आपको जाते जाते स्टैट्स भी दिखा देते हैं। देखिए पृथ्वी शॉ IPL 2022 में 10 मैच इन्होंने खेले, पिछले साल IPL में 283 रन इन्होंने बनाए, हाईएस्ट 61 का स्ट्राइक रेट, देखिए 152.97 शानदार स्ट्राइक रेट, एवरेज देखिए 28.30 का एवरेज है।
तो भैया आप तो यही उम्मीद है कि पृथ्वी शॉ को जल्दी से जल्दी मौका मिले, और जो लोग कह रहे हैं इनको भारत छोड़ने की जो मतलब एक तरीके से सलाह दे रहे हैं वो गुस्से में दे रहे हैं कि आपका यहाँ कुछ नहीं होगा, आप आयरलैंड क्रिकेट जाके खेलिए, एटलीस्ट वहाँ आपको अपने टैलेंट के अनुसार मौके तो मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तो आपका कुछ नहीं होने वाला। अब कमेंट्स के जरिए आप ज़रूर बताइए कि कितना सहमत हैं आप इस सिलेक्शन से कि भैया जो पृथ्वी को इस बार भी मौका नहीं मिला श्रीलंका के खिलाफ, इस चीज़ से कितना ज़्यादा सहमत हैं आप। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो यार वीडियो को अपना प्यार दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्पोर्ट्स नेस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बोलना है आपने, फटाफट जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए।